hello class 11 student welcome to today's online class and in today's class we are going to continue with the same chapter which we started in our previous class which was system of particles and rotational motion we are going through chapter number 7 chapter number 7 system of particle and rotational motion so in previous class we understood that whenever we are talking about some kind of rotational motion we took an example of hammer also we took an example of hammer that when we we'll, when we will throw a hammer in such a way that it will rotate also while going in forward direction you will see that rotational motion of that hammer will be around a particular axis which will pass through a point in that hammer which will be called center of mass so we understood the first topic of this chapter center of mass and what we understood out of it let us see we understood that center of mass of a system of particle is that single point which is which moving in the same way in which a single particle having the total mass of the system means what is center of mass center of mass is that point in that total mass मासेस में से देखिए एक, एक हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं हर ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से बन सकता है बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ होता है तो इसीलिए हम हर ऑब्जेक्ट हर ऑब बॉडी को सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल्स इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर एक बॉडी और सेंटर ऑफ मास उस

वही पॉइंट से हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा देयर आर मेनी इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस ऑब्जेक्ट बट वी आर टेकिंग अ सिंगल पॉइंट व्हिच वी कॉल एट सेंट एस सेंटर ऑफ मास एंड वी कैन से दैट होल मास इस पूरे ऑब्जेक्ट का इस बॉडी का पूरा मास को हम लोग इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं क्योंकि हमें एक पॉइंट की जब बात करनी है क्योंकि यहीं से हम लोग एक बार एक एक फोर्स लगाने वाले हैं और हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से ही सारे फोर्सेस काम कर रहे होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे होंगे सो दैट वाज सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास निकालना है आसान कि है कठिन इन प्रीवियस क्लास आई मेड यू एंड आई मेड यू अंडरस्टैंड एन आइडिया अबाउट इट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल एक सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहा होगा एक होमोजीनियस प्लेट है समझ लो एक सर्कल एक सर्कुलर प्लेट है ठीक है पतला सा थिन शीट ऑफ प्लेट तो उसका सेंटर ऑफ मास और उसका जो जितने मटेरियल है ना वो होमोजेनियस बराबर बराबर पार्टिकल्स हर जगह बटे हुए हैं है ना तो इसका सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर में ही सेंटर ऑफ मास होगा इज इट इन द सेम वे अगर एक स्क्वायर की बात करूं इफ वी टॉक अबाउट स्क्वायर तो स्क्वायर में मैं कह सकता हूं जहां पर दो डायगोनल्स स्क्वायर में जहां पे दो डायगोनल्स जहां पे दो डायगोनल्स मीट करेंगे वहां पे इसका सेंटर ऑफ़ मास होगा इन द सेम वे रेक्टेंगल आल्सो रेक्टेंगुलर प्लेट होगा कोई उसमें दोनों डायगोनल्स जहां मीट करेंगे वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा सो आर सम

पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी उसको डिराइव भी कर देंगे पता भी करेंगे बट यू हैव टू रिमेंबर इन दी एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ 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 मास मास सेंटर तो आर मतलब सी एम का मतलब क्या है सेंटर ऑफ मास और आर का मतलब पोजिशन वैक्टर है ना पोजिशन कहाँ पे है तो इसका पोजिशन सी यहां पर है क्या पोजिशन होगा उसका तो हम लोग निकाल सकते हैं उसको एम आर वन प्लस एम आर टू अपॉन एम वन प्लस है, right है ना बहुत सारे इन्फनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उसको हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे समझ लो दो पार्टिकल्स है बस दो पार्टिकल्स है पहला है उसका मास एम वन दूसरा दूसरे का मास है एम टू पहले वाले मास जो है वो पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर है, है, तो है एग्जांपल में और खुले गए बात न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसका दोनों मिलाकर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो हमें पोजीशन पता करने के लिए कभी भी देखेंगे पोजिशन पता करने के लिए उसकी कोऑर्डिनेट्स पता करनी पड़ती हैं यहां से भी हम पता कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं पता कर नहीं पता हो पाएगा लग रहा है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं एग्जांपल में अभी समझेंगे उसको x cm मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1x1 m2x2 m1, x1 m2, m1 m2 और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास will be m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2 नहीं समझ में आया doubt गया हो सकता है we can understand it with the help of this graph not the graph but we can show these two points अभी जो हमने इसे समझा just <coughs> look at this part center of mass of two particle system सिर्फ दो पार्टिकल्स है एक सिस्टम मान लेते हैं हम लोग एक दो पार्टिकल्स हैं एम वन और एम टू दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं दोनों मिलकर एक एक जैसा एक बॉडी बना रहे हैं समझ लीजिए सो वॉट विल है भाषा में समझते फिर डेरिवेशन में पहुंचेंगे पार्टिकल a जिसका मास है m1 जिसका मास है एम वन और दूसरा है पार्टिकल बी जिसका मास है एम टू ओके दिस टू पार्टिकल्स आर देर एंड दिस टू पार्टिकल्स टुगेदर टुगेदर दे दे मेक मेक अ अ सिस्टम सिस्टम ओके सो व्हेन वी वांट टू नो द पोजीशन हम लोग देखे पोजिशन वेक्टर पढ़ चुके हैं कि क्या इसकी पोजिशन होगी तो हम लोग ऑलरेडी जानते हम इसको दो डायमेंशन में ले रहे हैं तो इसका कुछ एक्स और वाई कंपोनेंट होगा x1 y1 होगा इसका अरे इतना दूर ये x1 हो जाएगा ठीक और इतना ऊपर ये y1 हो जाएगा मतलब यहां से ओरिजिन से कितना y1 ऊपर है और x1 आगे है तो इसका x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ये तो हम पहले से जानते हैं दिस थिंग वी ऑलरेडी नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट यस सर तो x1 y1 इसकी कोऑर्डिनेट्स है एंड देन अबाउट द b पॉइंट

x1 i कैप y1 j कैप ऐसा होगा क्यों हुआ उसी से मैंने देखिए x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप वो डायरेक्शन बताएगा और मैग्नीट्यूड बता दिया उसका x1 y डायरेक्शन में डायरेक्शन बताएगा y y एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा j कैप और उसका मैग्नीट्यूड होगा गया y1 वैसे ही r2 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल b हो जाएगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप सो दिस बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड दिस विल बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ बी ये दो पोजिशन वैक्टर हुए ठीक एंड वॉट डू वी वॉन्ट टू नो वी वॉन्ट टू नो दे बोथ आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के पार्ट है दोनों पार्टिकल एक सिस्टम बना रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो इनका इनके ऊपर मान लो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है सो so, अब इसको मिटा दिया जाए ऑलरेडी अंडरस्टूड इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है मान लो ये एक पहला यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है एफ वन ई एक्स टी और एफ ext, टी एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर और कुछ क्या काम कर सकता है ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर भी force लगा रहे होंगे चलो एक दूसरे के ऊपर क्योंकि एक सिस्टम के पार्ट है ना तो ये तो दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर ठीक तो ए पहला पार्टिकल जो है वो फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर और बी पार्टिकल यानी दूसरा पार्टिकल भी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर तो ये हो गया एफ वन टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और ये हो गया फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे के अपोजिट है ठीक अब देखो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं इनमें बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं हम लोग अभी अभी क्या समझे सेंटर ऑफ मास क्या होता है सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसमें से उसमें से उन सब में से एक पॉइंट उस सिस्टम का एक पॉइंट जहां पे ये सारे एक्सटर्नल फोर्स काम कर सकते हैं और वो सारे मासेस को हम लोग एक जगह शो कर सके तो मान लो कहीं यहां पर कहीं यहां पर वो सेंटर ऑफ मास है सी और उसका पोजीशन हम जानना चाह रहे हैं वी वॉन्ट टू नो दैट पोजिशन मीन्स वॉट वी वॉन्ट टू नो कैपिटल आर सी एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू नो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक हम सिर्फ दो पार्टिकल की बात कर लेते हैं इसका निकाल लिए बस वैसा ही कुछ होगा सारे एन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो ये rcm पोजीशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब इन दोनों से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है जो कि अभी मैंने दिखाया क्या होने वाला है m1x1 m1r1 m2r2 m1, plus, no, m1, m2, m1 m2 ये होने वाला है कैसे होगा लेट सी

इसीलिए क्या हुआ ए वन वैक्टर डिफरें ध्यान रखना ऐसा हो सकता है डबल डिफरें

सो वी ऑलरेडी नो कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स अब हम लोग टोटल की बात करें दोनों दोनों पार्टिकल में अलग अलग फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स है तो दोनों को मिलाकर टोटल एक्सटर्नल फोर्स दोनों को मिलाकर टोटल दोनों को मिलाकर मतलब देखो पार्टिकल ए की बात करते हैं इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है एक इंटरनल फोर्स भी लग रहा है पार्टिकल बी की बात करते हैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है इंटरनल फोर्स भी लग रहा है तो पहले पार्टिकल के लिए पार्टिकल ए के लिए एफ मान लो टोटल फोर्स है f1 मान लो टोटल फोर्स है तो वो टोटल फोर्स क्या होगा f12 f1 एक्सटर्नल अरे देखो a पार्टिकल में f1 फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल और f12 इंटरनल तो दोनों को मिला दो दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा वो f12 f1 एक्सटर्नल होगा और हम लोग जानते हैं कि इस ये जो फोर्स होगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स टोटल फोर्स होगा वो इसको एस्लेरेशन प्रोवाइड करेगा इसीलिए m1 a1 लिख दिया मैंने एम वन वन उसी प्रकार से एफ टू टोटल फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल यानी पार्टिकल बी एफ टू वन देखो एफ टू वन इन टू एक्सटर्नल फोर्स एफ टू एक्सटर्नल देखिए डायग्राम में देख लेते सेकंड पार्टिकल में एफ टू वन लग रहा है सेकेंड पार्टिकल में एफ टू वन एफ टू वन एक्सटर्नल फोर्स लग रहा इंटरनल फोर्स और एफ टू एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इन दोनों को मिलाकर टोटल फोर्स निकल जाएगा इसका और टोटल फोर्स इसको एक्सलेशन देगा तो एम टू एज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू एफ टू वन प्लस चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा राइट है, लेफ्ट हैंड एम वन ए वन प्लस और इधर में हुआ इस, राइट हैंड साइड में हुआ एफ वन टू प्लस एफ वन एक्सटर्नल प्लस एफ टू वन प्लस एफ टू एक्सटर्नल अच्छा अभी अभी हमने जाना कि ये जो f12 और f21 है ये एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है है ना पहला दूसरे पे फोर्स लगा दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा है एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल यानी कि इन दोनों का एडिशन जीरो हो जाएगा तो इसके कारण हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया तो m1a1 क्या बचा m1a1 m2a2 f1 एक्सटर्नल f2 एक्सटर्नल ये दोनों मिलकर मैं बोल सकता हूं कि इस सिस्टम में लगने वाले टोटल फोर्स है एक्सटर्नल टोटल फोर्स इस सिस्टम में ए और बी से मिलकर जो सिस्टम बन रहा है तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ वन एक्सटर्नल जिसको मैं मान लेता टोटल ठीक तो वो हुआ अच्छा वी ऑलरेडी नो वन थिंग दैट टोटल एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट ऑन व्हाट देखो इस इन दोनों को एक सिस्टम बना लिया और इन दोनों से मिलकर टोटल एक्सटर्नल फोर्स कहां पे एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास में

ए सी एम क्या मिलेगा मुझे इस एम को इधर ले आऊंगा और ये double derivative, double derivation जो है उसको बाहर और M2 के के अंदर अंदर ले लेता हूं। तो मुझे मिलेगा देखिए हम कहां पहुंच रहे हैं। अब वन अपॉन एम ले लिया इधर इस तरफ ले आया ACM को भी मैं लिख सकता हूँ अरे एसलेशन एट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा डी स्क्र इसको भी मैं एसलरेशन को मान सकता हूं

देखिए इधर भी डिफरेंशिएशन हो रहा है इधर भी डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर दो एक तरफ से दूसरे तरफ तो हमको क्या मिल रहा है यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर सिस्टम टू पार्टिकल सिस्टम क्या हुआ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये मिला हमको पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सर सेंटर ऑफ मास हम कैसे पता करेंगे यहाँ पे तो फिर वही बात ये देखिए सेंटर ऑफ मास सी का भी कोई दो तो आर की जगह एक्स पुट कर दो एक्स कंपोनेंट तो निकल जाएगा उसका यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा एक्स सेंटर ऑफ मास मासन एम वन प्लस

forget about the uh, this uh, uh, derivation, our simple formula what it is giving it is giving that position vector position bata karna hai हमको centre of mass का तो वो बता रहा था m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2 अगर दो particles ना हो दो से ज़्यादा हो तो चलो आगे लिख देते हैं तो भी आसान है वॉट यू विल डू प्लस एम थ्री आर थ्री प्लस एम थ्री नीचे आ जाएगा ये हमारा फॉर्मूला दो तीन ए बी सी तो इनका सेंटर ऑफ मास इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां कहीं होगा उसका पोजीशन ऐसे पता चल जाएगा आपको फॉर्मूले से इसका मास एम वन इसका मास एम टू इसका पोजीशन आर वन पोजीशन आर टू इसका कैन कैलकुलेट हमने टू का इसलिए निकाला वी जस्ट वॉन्ट टू नो दैट सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कैसे निकालेंगे n of, n यहां से प्लस एम एम एन आर एन अपॉन यहां पे प्लस कर दो एम एन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने सारे पार्टिकल्स को आप ले सकते हैं ये इतने एक पूरा बॉडी ले लो इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे एन नंबर ऑफ पार्टिकल हर किसी का पोजीशन हर किसी का पोजीशन और उसका सेंटर ऑफ मास हमको मिल जाएगा कहीं पे सेंटर ऑफ मास और उसका पोजीशन भी मिल जाएगा आर सी एम ठीक एक्स एक्सिक्स वाय निकालते जाओ तो x cm हो जाएगा m1 x1 एक्स वन प्लस एम टू एक्स एक्स टू प्लस एम एक्स एन तक अपॉन एम वन प्लस एम एन तक इन दैट वे वाई भी ऐसे निकल जाएगा वाई वन एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू अपन वाई एन अपॉन एम वन प्लस एम टू अपिल MN. In that way, we can calculate it very easily. Let us see more examples. Let us see numericals related to it. It will take time to sink in how we can calculate. Numericals are the best, best way to uh, know how practically we can do these things. So let us see a numerical. First of all, we'll deal with the vector, the uh, the thing which always haunts you. First one is. वेक्टर काइंड ऑफ क्वेश्चन टू पार्टिकल्स यहाँ पे दो पार्टिकल की बात हो रही है ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम 100 ग्राम और 300 ग्राम के राम के मास दे दिया है दो ऑब्जेक्ट दो पार्टिकल्स दे दिया है एट एनी गिवन टाइम हैव पोजीशन और उनकी पोजीशन दे दिया है पहले का पोजीशन है 2i 2i कैप 5j कैप 3 13k कैप मीटर एसआई यूनिट में दिया है एंड -6i कैप प्लस +4j कैप माइनस -2k कैप मीटर रिस्पेक्टिवली डेटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट इज सेइंग कि अब अब आप इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताइए उसी समय एट एनी मोमेंट एट गिवन टाइम जिस समय बोला है सो so, ये दो पार्टिकल्स हैं 100 ग्राम और 300 ग्राम के तो हम लोग लिख देते हैं m1 की वैल्यू 100 ग्राम यानी 0.1 kg m2 दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 300 ग्राम जो कि हो गया 0.3 kg ऐसा यूनिट में पोजीशन वेक्टर दे दिया है r1 2i कैप 5j कैप 13k कैप और दूसरे का पोजीशन दे दिया है दूसरे पार्टिकल का पोजीशन दे दिया है -6i कैप 4j कैप 2k कैप और पता करो बोलता है उस उन दोनों का उन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन यानी rcm r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ये पूछा है सो विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो अभी अभी हमने देखा पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू क्या करेंगे मास की वैल्यू जीरो पॉइंट वन रखते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू कैप प्लस कैप प्लस कैप और प्लस जीरो पॉइंट की वैल्यू और आर टू की वैल्यू माइनस कैप प्लस कैप

1.2 j cap minus 2 into 0.3 minus 6 k cap ध्यान रखना minus का और नीचे हो जाएगा 0.1 plus 0.3 0.4 अब हम लोग यहाँ पर 0 i cap i cap वाले को add add या subtract करेंगे j cap j cap वाले को add या subtract करेंगे k cap k cap वाले को एक साथ तो 0.2 minus 1.8 i cap दोनों में i cap है तो ये हो जाएगा minus 1.6 i cap 0.5 प्लस 1.2 j cap तो ये हो जाएगा 1.7 j cap 1.3 k cap minus 0.6 k cap ये 0.7 k cap हो जाएगा और नीचे बचेगा 0.4 सब को upon 10 upon 10 कर लो यानी 16 upon 10 लिख सकता हूँ 1.6 को 1.7 को 17 upon 10 0.7 को 7 upon 10 और 0.4 को 4 upon 10 तो इन सारे के numerator का पूरा 1 upon 10 और डिनोमिनेटर का 1 10, दोनों हुआ और क्या बचा आपका पोजिशन वैक्टर माइनस पोजिशन या तो सबको अलग अलग अपॉन फोर अपॉन फोर करके निकाल लो डेसिमल में या फिर यू ही रख दो दिस इज वे अगर आपको क्या दिया है पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में दिया है, I cap, J cap, K cap के फॉर्म में दिया है तो सिंपल ट्राई दमूला और अदरवाइज

सिक्स मीटर उसकी जो लेंथ होती है उसकी लंबाई और उसका उसी पार्ट का मीटर रेक्टेंगुलर प्लेट वन अब हम लोग क्या करेंगे वी वी विल विल डू फ्यू थिंग्स क्या कि ये ये ऊपर का जो टी शेप है ये पहला पार्ट मान लेते हैं हम लोग पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो रेक्टेंगल्स में पहला रेक्टेंगल हो गया तो आ, ये ऊपर वाला और ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल नीचे वाला इन दोनों के से गुजरता बीच से गुजरता हुआ सिमेट्रिकल हो सकता है टी शेप प्लेट एक सिमेट्रिकल पार्ट होता है वहीं पे डायग्राम में बोला है ओ पॉइंट से उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी तो हम लोग जानते हैं कि ये जो 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 लाइन इसको दो भाग में बांट रही है वहीं पे इसके सेंटर ऑफ मास होगा उसी लाइन में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा तो हमको सिर्फ ओ से उस कितना दूर है ओ पॉइंट से कितना नीचे है यानी वर्टिकल एक्सिस वाई की वैल्यू पता करनी है बस हमें क्या पता करना है सिर्फ और सिर्फ ये ओ से कितना नीचे है ये वाई की वैल्यू पता करनी है हमें एक्स का तो हमको पता है इसी लाइन में ही एक ये होगा यानी ये मान लीजिए इसकी ये जो टी है टी शेप प्लेट है उसकी चौड़ाई टोटल आठ मीटर है आठ मीटर तो ये फोर मीटर पर एग्जिस्ट करता होगा ओ पॉइंट का एक्सिस और वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा बस हम कितना नीचे होगा ये कैलकुलेट करना है सो व्हाट वी विल डू हम पहले रेक्टेंगुलर प्लेट को मान लेते हैं ये है आठ एट मीटर बाय टू मीटर का रेक्टेंगुलर प्लेट कौन सा वाले की बात कर रहे हैं हम हम बात कर रहे हैं ये वाले की दिस वन दिस वन इज अवर फर्स्ट रेक्टेंगुलर प्लेट एंड विच वन इज द सेकेंड वन दिस वन इज अवर सेकेंड रेक्टेंगुलर प्लेट ओके तो पहले वाले का क्या है डायमेंशन एट बाय टू मीटर और दूसरे वाले का क्या है सिक्स बाय टू मीटर सिक्स बाय टू मीटर ओके सो ये दो प्लेट्स हो गए कुछ नहीं बताया मास की वैल्यू ही नहीं बताया तो हम लोग घबराएंगे नहीं क्योंकि मास की वैल्यू नहीं बताया तो हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है वो प्लेट में सब पार्टिकल्स होमोजीनियस तरीके से बराबर बराबर तरीके से बटे होंगे तो मास पर यूनिट एरिया को मैं सिग्मा मान सकता हूं मास पर यूनिट एरिया मतलब पूरे एरिया में यूनिट पूरे एरिया टोटल एरिया में से यूनिट एरिया में मास मान लो सिग्मा है मास पर एरिया सिग्मा है तो ओवन के सेंटर ऑफ मास ओवन बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट वन और ओटू बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेट टू देखो ये पहला पहला प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस में यहाँ पे O1 में होगा अब हम बता सकते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर शेप का प्लेट होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा O से कितना दूर देखो ये दो मीटर की चौड़ाई है तो वन मीटर दूर ये होगा O1 O O1 की दूरी वन मीटर होगी और ये सेकंड प्लेट है सेकंड प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास O2 है यहां पे ये कितना दूर होगा तो ये ये O से से कितना दूर होगा वो देखने के लिए आप पहले इस रेक्टेंगल की बात करो इसका लेंथ है होगा मगर ओ से कितना दूर होगा तो देखो यहां से तो टू है ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर प्लेट टू मीटर का उसके बाद थ्री और नीचे आओगे तो टू प्लस थ्री फाइव मीटर समझ में ये टू मीटर का है ना उसके नीचे आप थ्री मीटर और आगे क्योंकि इसका आधा और आओगे तो सिक्स मीटर का आधा थ्री हमने अज्यूम कर लिया मल्टीप्लाई कर दो तो मास निकल जाएगा तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू एट इंटू टू पहले एरिया पहले वाले प्लेट का एरिया क्या है एट इंटू टू तो क्या मिलेगा हमें यहां पे मिलेगा 16 सिग्मा मास ऑफ प्लेट वन और एम टू मिलेगा सिग्मा इंटू सिक्स इंटू टू देखो इसकी भी डायमेंशन देख लो सिक्स इंटू टू एरिया ट्वेल्व तो सिग्मा ये दोनों मास हो गए सिग्मा पहले प्लेट का और दूसरे का ट्वेल्व सिग्मा तो हमको y की वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम दो प्लेट्स के सिस्टम टी शेप का जो सिस्टम दिख रहा है उसका हो जाएगा y क्योंकि x तो पता करना ही नहीं उसी एक्सिस में होना है

देखो सिग्मा आखिरी में कैंसिल हो रहा है इसीलिए हमें वैल्यू पता चल जाएगी इंटू वन सिक्सटी सिग्मा, सिग्मा 60, 60, 60 एट होना है सिग्मा सिग्मा का 20, 76 अपॉन 28 मिला। इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी टू पॉइंट सेवन वन मीटर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, मतलब हुआ इसी एक्सिस में जहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वो ओ पॉइंट से ऊपर जो ओ पॉइंट है उससे 2.71 मीटर दूर है 2.71 मीटर दूर है ये 2.71 मीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ मास है उसी एक्सिस पर जो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है क्योंकि एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ये, so हम क्या करेंगे? दो पार्टिकल्स को अब देखो यहाँ पे पार्टिकल तो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर दो सिमेट्रिकल हमको बॉडी मिले ना तो उसका सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं कहां पे होगा है ना तो उससे हमने कैलकुलेट कर लिया और दोनों से मिलकर जो मिल रहा है सेंटर ऑफ मास उसको हमने उसी फॉर्मूले से निकाला क्या फॉर्मूला था हमारा पोजिशन वैक्टर का फॉर्मूला सो रिमेंबर द पोजिशन वैक्टर फॉर्मूला एक्स और वाई के लिए वो पोजिशन वेक्टर यूज करें एंड गेट द आंसर इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड रिवर्स इट एंड सी व्हाट द व्हाट द सॉल्यूशन फॉर इट नोट डाउन दिस सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिकल एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट आई बिलीव सो आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट आल्सो दिस असाइनमेंट इज वेरी इजी फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल एट द

try to solve this question numerical question and you will understand it very nicely what is center of mass and how to calculate it go through the derivation also for the concept but remember the formula the short way keep studying have a nice day